नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मंकी पॉक्स से कहीं कोरोना जैसे हालात न हो जाएं, निपटने के लिए इंदौर में तैयारी शुरू, बनेगा अलग वार्ड। मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। ताज़ा खबर इंदौर से है। यहां मंकी पॉक्स के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। कोरोना महामारी के अनुभवों से सबक लेते हुए विशेष मंकी पॉक्स वार्ड तैयार किया जा रहा है। मंकी पॉक्स वार्ड मनोरमा राजे टीबी अस्पताल में स्थापित किया जाएगा, जहां संभावित मंकी पॉक्स रोगियों के इलाज की पूरी व्यवस्था रहेगी। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इस वार्ड में सभी आवश्यक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे कि करीब 5 बेड की व्यवस्था और संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी दवाइयां स्टॉक में रखी जाएंगी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 48 घंटे में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने मौसम प्रणालियों की सक्रियता का देखते हुए अगले 24 से 48 घंटे के दौरान जबलपुर सहित संभाग के मंडला, डिंडौरी, बालाघाट सहित अन्य जिलों में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से लेकर झारखंड और छत्तीसगढ़ तक बने निम्न दाब के क्षेत्र के प्रभाव से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। चक्रवाती परिसंचरण भी मजबूती के साथ सक्रिय है। इन तमाम मौसम प्रणालियों के प्रभाव से मौसम विभाग ने आगामी 24 से 48 घंटे के दौरान जबलपुर सहित संभाग के मंडला, डिंडौरी, बालाघाट सहित अंचल के रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश की शाहपुर पुलिस पर ब्राह्मण युवक को पीटने और चोंटी उखाड़ने का आरोप। मऊगंज के शाहपुर पुलिस पर एक ब्राह्मण युवक ने मारपीट करने के साथ ही शिखा उखाड़ने का आरोप लगाया है। इसके बाद भारी संख्या में लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय मऊगंज पहुंचकर घेराव किया है। पुलिस की इस हरकत का संबंध हफ्ते भर पहले के घटनाक्रम से है। एक सप्ताह पूर्व पहाड़ी गांव के समीप सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों ने सड़क में जाम लगा दिया था। इस दौरान वहां पहाड़ी गांव निवासी नरेंद्र मिश्रा भी मौजूद थे। पुलिस ने सड़क जाम करने वाले 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। रात में ही नरेंद्र मिश्रा को पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले गई। स्वजनों ने आरोप लगाया है कि शाहपुर पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी सहित पहाड़ी गांव के ही 2 लोगों ने मिलकर उसके साथ बड़े बेरहमी से मारपीट की गई। उसकी शिखा उखाड़ लिया गया। इसके बाद नरेंद्र मिश्र को पुलिस ने जेल भेज दिया। जमानत पर लौटने के बाद नरेंद्र मिश्रा ने परिजनों को पूरी जानकारी दी। एमपी के सभी जिला चिकित्सालयों में खुलेंगे जनौषधि केंद्र, राज्यपाल मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। प्रदेश सभी जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों पर लोगों को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां बेहद सस्ती कीमतों में उपलब्ध होंगी। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे में मुख्य कार्यक्रम होगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन जनौषधि केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। एमपी के मुख्य सूचना आयुक्त बने विजय यादव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दिलाई शपथ। पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक विजय यादव एमपी के मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। मंगलवार को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ साथ सूचना आयुक्त के रूप में उमाशंकर पचौरी, शिक्षाविद वंदना गांधी, समाज सेवी एवं ओमकार नाथ, सेवानिवृत्त जज ने भी शपथ ली। मध्य प्रदेश के 50,000 परिवारों का पीएम आवास में गृह प्रवेश। आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर सौगात। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास शहरी एवं ग्रामीण के 50,000 हितग्राहियों को 17 सितंबर को राज्य सरकार गृह प्रवेश कराएगी। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत प्रदेश में 10 लाख नए घर बनाए जाएंगे। भारत सरकार की स्वीकृति के बाद प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल से 50,000 हितग्राहियों को पीएम आवास में गृह प्रवेश कराएंगे। वहीं मुख्यमंत्री यादव मध्य प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ भी करेंगे। एमपी में 920 किलोमीटर लंबाई की सड़कें खराब, रिकॉर्ड में भरे और मौके पर मिले गड्ढे तो इंजीनियरों की खैर नहीं। मध्य प्रदेश में औसत से अधिक हुई वर्षा से सभी जलाशय भर गए हैं।
पन बिजली भी पर्याप्त मात्रा में बनेगी तो सिंचाई और पेयजल के लिए जल का संकट भी नहीं होगा, पर सड़कों के गड्ढे आमजन को परेशान कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के दावे के अनुसार 1526 किलोमीटर मार्ग सुधार गया है। वहीं ठेकेदारों से परफॉर्मेंस गारंटी की 793 किलोमीटर सड़क में से 774 में मरम्मत की गई। इस दावे की सच्चाई पता लगाने के लिए विभाग सत्यापन करा रहा है। इसमें कोई मिलीभगत न हो इसलिए एक जिले के अधिकारी को दूसरे जिले भेजा है। लोकपत ऐप पर फोटो डालने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर के म्यूजियम में सजीव हो रहे अटल जी पोखरण पर चर्चा करते दिखेंगे। ग्वालियर में स्मार्ट सिटी कारपोरेशन द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यादों को संजोने के लिए गोरखी स्कूल में तैयार किए गए संग्रहालय में अब नए आकर्षण जोड़े जा रहे हैं। संग्रहालय के उन्नयन की परियोजना के अंतर्गत तैयार की गई योजना अब मौके पर नजर आने लगी है। इसमें अटल जी को सजीव दिखाने के प्रयास शुरू हुए हैं। संग्रहालय में अटल जी के प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल को दर्शाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय रूपी गैलरी तैयार की गई है और इसमें सिलिकॉन से बनी अटल जी की प्रतिकृति रखी गई है। इसके साथ ही 7 मिनट का एक वर्चुअल रियलिटी वीडियो भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें अटल जी पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण की तैयारियों को लेकर प्रख्यात वैज्ञानिक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मंत्रणा करते हुए नजर आएंगे। भंडारा कर प्रसाद बांटा, नहीं साफ की गंदगी। निगम ने गणेश समिति के खिलाफ काटा चालान। जबलपुर के रामपुर चौराहे के पास स्थापित गणेश पंडाल के समीप भंडारा के बाद जहां तहां गंदगी बिखरी देख निगमायुक्त प्रीति यादव ने गणेश समिति के अध्यक्ष के खिलाफ समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध चालान की कार्रवाई करते हुए न्यायालय में प्रकरण भिजवा दिया। निगमायुक्त गणेशायत्सव पर्व के दौरान नगर निगम द्वारा की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने निकली थी। जैसे ही रामपुर चौक पहुंचा, यहां स्थापित गणेश पंडाल के समक्ष और पूरी सड़क पर भंडारे के बाद फेंके गए दोने फैले हुए थे। निगमायुक्त ने मौके पर ही समिति अध्यक्ष के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। डेंगू के 11 नए मरीज मिले, 15 दिन में संख्या 184 पहुंची। ग्वालियर शहर में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को 11 नए मरीज मिले। इस माह 15 दिन में डेंगू के मरीजों की संख्या 184 पहुंच गई है। इनमें से बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। जीआरएमसी के माइक्रोबायोलॉजी विभाग और जिला अस्पताल मुरार में रविवार को डेंगू के 44 संदिग्ध मरीजों के सैंपलों की जांच की गई। जांच में 11 मरीजों को डेंगू होने की पुष्टि हुई। पिछले साल सितंबर माह में 210 डेंगू के मरीज मिले थे, लेकिन इस बार महज 15 दिन में ही मरीजों की संख्या 184 पहुंच गई है। दो गुने हुए टमाटर के दाम, प्याज पहुंचा 50 के पार, आसमान पर पहुंचे हरी सब्जियों के भाव। पिछले दिनों हुई बारिश ने हरी सब्जियों की पैदावार को प्रभावित कर दिया है। बाजार में इनकी आवक कम होने से भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। सब्जी में स्वाद के लिए उपयोग में लाया जाने वाला हरा धनिया 250 रुपए किलो तक पहुंच गया है। शिमला मिर्च 100 से 120 रुपए किलो पर पहुंच गई है। बाजार में हरी सब्जियों के भाव सुनकर ग्राहकों के होश उड़ रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं की माने तो हरा धनिया की मांग अधिक है, लेकिन आवक कम हो गई है। कुछ दिनों पहले हुई बारिश से फसलें प्रभावित हुई हैं। लौकी 40 रुपए किलो और गिलकी के भाव 80 से 100 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। खुले जंगल में नहीं छोड़े जाएंगे चीते, चीता पवन की मौत के बाद सतर्क हुआ प्रबंधन। देश में चीतों की धरती कूनो नेशनल पार्क में चीता सफारी शुरू करने की कोशिशों को फिलहाल झटका लगा है। चीते फिलहाल खुले जंगल में नहीं छोड़े जाएंगे। इसकी बड़ी वजह हाल ही में हुई चीता पवन की मौत है। कूनो प्रबंधन इसको लेकर चिंतित है। अलबत्ता भारत की धरती पर चीते लाए जाने की दूसरी वर्षगांठ 17 को मनाई जाएगी। भारत लाए गए कुल 20 चीतों में से 8 वयस्क चीतों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 मादा और 5 नर चीते थे। 17 शावकों का जन्म हुआ, जिनमें से 12 जीवित हैं, जिससे कूनो में शावकों सहित चीतों की कुल संख्या 24 है। इंदौर में बेसमेंट पर एक्शन, महितपुरवाला के तलघर में व्यावसायिक गतिविधियां सील। इंदौर शहर में यातायात सुधार की कवायद के तहत बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने पर कार्रवाई की जा रही है। रविवार को जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर बेसमेंट में संचालित दुकानों और शोरूम को सील कर दिया। रिंग रोड पर महितपुरवाला शोरूम के बेसमेंट में फर्नीचर रखकर बेचा जा रहा था, इसलिए एसडीएम के नेतृत्व में पहुंची टीम ने शोरूम के बेसमेंट को सील कर दिया। वहीं रेती मंडी चौराहा एबी रोड स्थित एयू सिनेमा और प्रिंस हुंडई कार शोरूम में बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। वागेश्वर धाम पंडित धीरेंद्र शास्त्री वक्फ बोर्ड पर बोले, किसी मजहब के नहीं लेकिन लैंड जिहाद के खिलाफ है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने रविवार को उज्जैन में कहा कि हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है लेकिन लैंड जिहाद के खिलाफ है, इसलिए वक्फ बोर्ड पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए।
लैंड जिहाद के लिए सनातनियों को भी जागरूक होना पड़ेगा। मीडिया से चर्चा करते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वह सनातनियों को जगाने, भेदभाव, जातपात व छुआछूत मिटाने को लेकर 21 से 29 नवंबर तक देश भर में 9 दिवसीय यात्रा निकालेंगे। यात्रा के दौरान वह देश के उस वंचित वर्ग से मिलेंगे जो उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि हम पिछड़े और बिछड़े लोगों के पास जाकर उन्हें गले लगाकर भारत को भव्य बनाने का संकल्प दिलवाएंगे। जिन घरों में लगे 2 बिजली मीटर, उनकी होगी KYC। भोपाल में उपभोक्ताओं को जारी हुए नोटिस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिन घरों में 2 मीटर लगे हुए हैं, उन्हें बिजली कंपनी ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। साथ ही बिजली कंपनी 2 मीटर की जांच करने के लिए उपभोक्ताओं की KYC शुरू कर दी है, ताकि एक घर में 2 मीटर लगाकर सब्सिडी लेने वालों के मीटर कनेक्शन काटा जा सके।